Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. जो गरीबों को, बेसहारा लोगों को, जिन लोगों को कोरोना की लॉकडाउन की वजह से सबसे ज़्यादा मार पड़ी है, जिन लोगों के घर में खाने को भी नहीं है, ये मौका है जब हर सरकार को, हर जिम्मेदार सरकार को ऐसे अपने गरीब लोगों की मदद के लिए सामने आना चाहिए। इसमें ना केवल सरकार बल्कि बहुत सारी समाजसेवी संस्थाएं, बहुत सारी सामाजिक संस्थाएं, धार्मिक संस्थाएं, सब लोग इसमें मदद कर रही हैं। NGOs बहुत सारी मदद कर रही हैं। तो अब कल 6,208 लोगों ने लंच किया था। जो हमने सेंटर खोले हैं अब दिल्ली में, जगह जगह, अब बहुत जगह सेंटर खुल गए हैं दिल्ली के अंदर। मैं उम्मीद करता हूं कि धीरे धीरे इतने खुल जाएंगे कि आपके वॉकिंग डिस्टेंस के अंदर एक सेंटर होगा, आपको दूर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कल 6,208 लोगों ने लंच किया था और 5,95,760 लोगों ने डिनर किया था। तो लगभग 6 लाख लोगों ने लंच किया, लगभग 6 लाख लोगों ने डिनर किया था। अब हमने इतना ज़्यादा कैपेसिटी बढ़ा दी है कि अगर 10 लाख लोगों तक भी लोग लंच या डिनर करना चाहें तो 10 लाख लोग लंच कर सकते हैं, 10 लाख लोग डिनर कर सकते हैं। अब किसी भी व्यक्ति को, जो भी खाना खाने के लिए आएगा, उसको वापस भूखे, खाली हाथ नहीं भेजा, खाली पेट नहीं भेजा जाएगा। हर व्यक्ति के लिए अब लंच और डिनर का इंतज़ाम है। इतना ज़्यादा इंतज़ाम कर दिया कि अब हमारे पास स्पेयर कैपेसिटी है। मेरे पास कुछ दिनों से ऑटो वालों के, टैक्सी वालों के, RTV वालों के मैसेजेस आ रहे हैं, फ़ोन आ रहे हैं कि हम लोग भी बिल्कुल भुखमरी के कगार पे हैं, हम लोग भी सारी हमारी रोज़ी रोटी बंद हो गई है और CM साहब आप तो हमारे इतने चहेते हैं, आप हमारे लिए कुछ नहीं करेंगे क्या? मैं उन्हें कहना चाहता हूं कि आप सब लोग मेरे भाई की तरह हैं और ऐसा कुछ नहीं है। दिल्ली का एक एक व्यक्ति मेरा अपना है और मैं किसी भी व्यक्ति को भुखमरी की वजह से नहीं छोड़ूंगा। तो जैसे दूसरे सबका हम लोग अभी तक मदद करते आए हैं, ऑटो, RTV, ग्रामीण सेवा, टैक्सी और भी जितनी पब्लिक, E-रिक्शा, जितने पब्लिक सर्विस व्हीकल चलाने वाले हमारे भाई हैं, उनकी मदद के लिए सरकार प्लानिंग कर रही है। थोड़ी सी दिक्कत ये आ रही है कि आप लोगों के बैंक अकाउंट नंबर्स नहीं है हमारे पास, तो वो नंबर्स कैसे लिए जाएं उसकी सारी व्यवस्था की जा रही है। तो सबके अकाउंट में 5-5 हज़ार रुपये सरकार की तरफ से आपकी मदद के लिए डाले जाएंगे। ये बड़ा कठिन समय है जब पूरा देश और पूरा विश्व इस महामारी से जूझ रहा है और इसके सबसे ज़्यादा मार गरीबों को पड़ी है, जिनकी रोज़ी रोटी भी चली गई है और उनके पास अपने बैंक अकाउंट में कुछ पैसे नहीं होते कि अपने बच्चों को खिला सकें ऐसे वक्त में। तो हमारी, किसी भी जिम्मेदार सरकार की जिम्मेदारी है कि अपने गरीबों का ख्याल रखे। तो आप सभी के अकाउंट में 5-5 हज़ार रुपये डाले जाएंगे, लेकिन इसमें लगभग हफ्ता 10 दिन लग सकते हैं। थोड़ा सा सब्र रखना क्योंकि इसकी पूरी प्लानिंग कर रहे हैं, थोड़ा सा समय लग सकता है, तो उसका थोड़ा सा वो रखना। कल अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप साहब का एक बयान आया था। उन्होंने लिखा था कि हो सकता है 1 लाख से 2.5 लाख लोगों के बीच अमेरिका के लोगों की जान चली जाए। तो आप सोच सकते हो कि कितनी भयावह स्थिति है। अमेरिका जो कि देश, दुनिया का सबसे विकसित देश है, जहाँ पे कि सबसे अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएँ होंगी, वहाँ के राष्ट्रपति कह रहे हैं कि 1 से 2.5 लाख लोगों की जान जा सकती है। तो इसीलिए मेरी आप सब लोगों से विनती है, प्रधानमंत्री जी ने ये लॉकडाउन का जो ऐलान किया है ये बेहद ज़रूरी है। इसका सबका हम लोगों को पालन करना है। हर हालत में अपने घर में ही रहना है, थोड़े दिन अपने घर में ही रहना है। इसमें तरह तरह की तकलीफ़ें आ सकती हैं। ये तकलीफ़ें हमारी ही भलाई के लिए हैं, देश की भलाई के लिए हैं, लोगों की जान बचाने के लिए हैं। एक कहानी कही जाती है कि एक बार विदुर ने युधिष्ठिर से पूछा कि अगर जंगल में आग लग गई तो कौन मरेगा और कौन बचेगा? युधिष्ठिर ने जवाब दिया कि जो सबसे ताकतवर जानवर हैं, शेर है, चीता है, हाथी है, ये सब मर जाएंगे। जो सबसे तेज़ दौड़ने वाले जानवर हैं, हिरन है, खरगोश है, ये सब मर जाएंगे। तो फिर उन्होंने पूछा कौन बचेगा? उन्होंने कहा जो अपने अपने बिल में रहने वाले जानवर हैं वो बचेंगे। तो ये कोरोना भी एक तरह से जंगल में आग की तरह है, जो जो अपने घर में रहेंगे वो स्वस्थ रहेंगे। आप सब लोग स्वस्थ रहें, यही मेरी प्रभु से कामना है। आज रामनवमी का दिन है। रामनवमी के अवसर पे आप सब लोगों को बहुत बहुत दिल से मैं बधाई देता हूँ। मंदिर तो आप नहीं जा पाएंगे, लेकिन अपने घर में रह के रामनवमी मनाइएगा। और आज रामनवमी के दिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, एक चीज़ आज प्रण कीजिएगा, आपके गली मोहल्ले पड़ोस आस पड़ोस में कोई भूखा ना रहे। ये सबसे अच्छा तरीका होगा रामनवमी मनाने का। जब तक लॉकडाउन है आप कसम खा लीजिए कि आपके पड़ोस में कोई भूखा नहीं रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया।